जी हाँ, स्वागत सभी क्रिकेट के चाहने वालों को दोस्तों। एक बार फिर से बड़े महासंग्राम में भारत फ्रांस साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 महासंग्राम मुकाबला दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। समय और मौसम को मद्देनजर रखते हुए मात्र पांच पांच ओवर का यहाँ पे खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। विलियम्स आए पहला ओवर लेकर, पहली गेंद SSB जायसवाल के लिए, पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से हुंकार भर दिया है SSB जायसवाल ने। बड़े प्रहार के साथ आरंभ प्रचंड कर दिया है। आज जीत सुनिश्चित है भारतीय टीम की। बड़ा मुकाबला दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका टीम ने जीता। भारतीय टीम के सामने बड़ा टारगेट खड़ा किया था भारतीय टीम ने, लेकिन उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका टीम जीत दर्ज कर चुकी थी। आज निर्णायक मुकाबला है, देखना होगा दोस्तों क्या होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है भारतीय टीम के सपोर्ट में इस मुकाबले को लाइक जरूर कर दी। चलिए दूसरी गेंद, अच्छा शॉट, सीधा प्रहार, लाजवाब आप शॉट, एक और चार रन। यहाँ पे दो गेंदे 10 रन आ चुके हैं, दो गेंदे 10 रन। और सभी से निवेदन है युवा भारतीय टीम के सपोर्ट में दोस्तों मुकाबले को लाइक करके अंत तक जरूर देखें। चलिए दो गेंदे 10 रन आ चुकी है। हुंकार भरती भारतीय युवा बल्लेबाज SSB जायसवाल ने। आपके अपने यूट्यूब चैनल मजेदार स्पोर्ट पर तैयार है तीसरी गेंद का सामना करने। विलियम्स के सामने SSB जायसवाल, तीसरी गेंद को उत्तर प्रहार, हवाई पार, गेंद के लगे पर छह के हस्ताक्षर। SSB जायसवाल के बल्ले से बड़ा शॉट प्रहार किया। कुंटन डीकॉक विकेट के पीछे गेंद को ताकते रह गए और दोस्तों गेंद गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, डगआउट में 6 रन के लिए। बड़ा मुकाबला आज निर्णायक मुकाबला है, उसके बाद वनडे श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले आज T20 का अंतिम मुकाबला बेखौफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए SSB जायसवाल। विलियम्स चौथी गेंद, इस बार अच्छी शॉट, गेंद थी बैकफुट पे गए, पॉइंट पर मारा, लाजवाब फील्डिंग, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल आई विलियम्स की गेंद और सामने SSB जायसवाल मौजूद है। पांचवी गेंद लेकर तैयार विलियम्स, सामना करेंगे SSB जायसवाल। बड़ा शॉट खेलने की ताक में, यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने के प्रहार करेंगे। यहाँ पे अच्छा शॉट, फ्लिक किया है डीप विकेट सीमा रेखा के बाहर, गेंद जा रही डग आउट में, छक्का मिलेगा यहाँ पे 98 मीटर का लंबा छक्का, गेंद के लगे पर फिर से कर दिया यहाँ पे छह के हस्ताक्षर। SSB जायसवाल युवा बल्लेबाज दूसरे मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाज नाकाम नजर आए थे। सलामी जोड़ी आज बड़ा मुकाबला, इसलिए सामने बेखौफ और बेबाक बल्लेबाजी करते हो दर्शकों में हर्षोल्लास खुशी का माहौल। 5 गेंदों पर 22 रन आ चुके। अंतिम गेंद का सामना करेंगे SSB जायसवाल, अंतिम गेंद का सामना करेंगे। अंतिम गेंद खूबसूरत अंदाज में शानदार शॉट खेला, खूबसूरत प्रहार, 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पर। 26 रन आ चुके हैं पहले ओवर से, मात्र 24 गेंद दोस्तों शेष रह चुकी है। तो अंत तक जरूर देखें मुकाबले को, इस मैच को, और युवा भारतीय टीम के सपोर्ट में अगर आप लोगों दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो बिना किसी देरी के लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। पाकिस्तानी दर्शकों ने कमेंट किया था कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जाकर मैच नहीं जीत पाएगी। दोस्तों आज कमेंट करके जवाब दे दीजिए पाकिस्तानी दर्शकों को, हिंदुस्तान जीतेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। केशव महाराज विश्व के नंबर एक गेंदबाज आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सोमन गिल। पहले ओवर से 26 रन आ चुके, आज गिल की बारी है, हुंकार भरना होगा सोमन गिल को। बड़ा मुकाबला है, चलिए तैयार केशव महाराज, सामना करेंगे सोमन गिल। पहली गेंद सोमन गिल की, केशव महाराज के लिए खूबसूरत प्रहार, सोमन गिल ने कर दिया यहाँ पे वेखौफ अंदाज में लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, डग आउट में डिलीवर कर दिया गेंद को। अपना पसंदीदा शॉट योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे खेलते हुए सोमन गिल, गेंद को देखा जाचा प्रकार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बड़ा प्रहार वेखौफ अंदाज में छक्का यहाँ पे लगा दिया है। देखना होगा 24 गेंदे 23 गेंदे से इससे भारतीय टीम कितना बड़ा टारगेट खड़ा करेगी। साउथ अफ्रीका की सरजमी पर पानी लाग, बारिश लगातार परेशान कर रही है। पॉइंट का फील्डर गली की तरफ यहां पे क्लोज किया गया है। दूसरी गेंद खूबसूरत प्रहार डीप विकेट के ऊपर से मारा, इस बार बेखौफ अंदाज में सोमन गिल, हुंकार भर दिया, आरंभ प्रचंड कर दिया भारतीय टीम ने। बड़े मुकाबले में बड़ा बल्लेबाज आज अच्छी पारी की अपेक्षा भारतीय टीम के साहसी बल्लेबाजी करते हुए सोमन गिल, साहसी बल्लेबाजी करते हुए बेखौफ अंदाज में लंबा छक्का प्रहार किया है, लंबा शॉट मारा यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं अगली गेंद स्टेडियम के किस कोने में जाएगी, बल्ले के बीचों बीच यहाँ पे गेंद टकराई थी, गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में 6 रन। 1.2 ओवर की समाप्ति के पश्चात भारतीय टीम का स्कोर उसका, तीसरी गेंद फिर से प्रहार किया है, इस बार तो और जबरदस्त है, प्रचंड प्रहार किया है, गेंद का यह डीप विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। केशव महाराज के सामने विश्व के नंबर एक गेंदबाज के सामने विश्व का नंबर एक बल्लेबाज आज दोस्तों आप बड़ी लड़ाई आमने सामने की, कांटे की टक्कर के लड़ाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 महासंग्राम मुकाबले में। देखना होगा जीत किस टीम की होगी। फिलहाल 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के आ चुके, एक तरफ विश्व का नंबर एक बल्लेबाज है,
तो दूसरी तरफ विश्वकर्मा ने गेंदबाज चली प्रहार लाजवाब करेंगे। अच्छा शॉट फ्लिक किया है, मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद था। इस बार गेंद को रोका, देखा और जाने दिया रक्षात्मक तरीके से यहां पे खेल कर। मुकाबला चल रहा है जोरदार अंदाज में, 1.4 ओवर में 44 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केशव महाराज तैयार है 5वीं गेंद लेकर, सामने गिल मौजूद 4 गेंदों पर 18 रन बना चुके सोमन गिल। चलिए केशव महाराज तैयार एक बार फिर से, केशव महाराज की गेंद लो पुल टॉस गेंद थी, सीधा प्रहार किया है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से डग आउट में डिलीवर किया है गेंद के लगे पर। 6 के हस्ताक्षर फिर से हाफी कर दिए सोमन गिल ने बड़े मुकाबले में, निर्णायक रोमांचक मुकाबला दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। दर्शकों में हर्षोल्लास है, भारतीय दर्शकों में खुशी का माहौल। एक बार फिर से भारतीय युवा T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। फिर से अच्छा शॉट, खूबसूरत प्रहार का शानदार शॉट खेला था बॉलर एंड पर खड़े बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े बल्लेबाज के पैड से गेंद टकराई है और ओवर की समाप्ति हो चुकी। लुंगी एनगड़ी के हाथ में गेंद सौंपी, अब तीसरा ओवर लेकर आए लुंगी एनगड़ी, सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल। लुंगी एनगड़ी की गेंदबाजी का सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल, तैयार पहली गेंद और पहली गेंद पर खूबसूरत हुंकार भरती है डीप पॉइंट सीमारे के बाहर, गेंद जा रही है डग आउट में 6 रन के लिए। 2.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात भारतीय टीम ने बड़ा स्कोर यहां पे खड़ा कर दिया। 5-5 ओवर का मुकाबला है दोस्तों। YouTube के माध्यम से आप लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं तो भारतीय टीम का सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए इस मुकाबले को, इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए तैयार लुंगी एनगड़ी, सामने एसएसबी जायसवाल मौजूद, दूसरी गेंद एनगड़ी की ओर का डिलीवरी गेंद थी, सीधा प्रहार किया एक बार फिर से लो फुल टॉस बनी गेंद डग आउट में डिलीवर कर दिया गेंद के लगे पर। फिर से यहां पे 6 के हस्ताक्षर एसएसबी जायसवाल के बल्ले से, साहसी बल्लेबाजी योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अपने पसंदीदा शॉटों का प्रहार लगातार कर रहे हैं एसएसबी जायसवाल। सोमन गिल साउथ अफ्रीका सर जमी पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं भारतीय बल्लेबाजों को, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी दर्शकों ने जो कमेंट किया था उसका मुंह तोड़ जवाब देते हो भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। 38 पर पहुंचे हैं, फिर से अच्छी गेंद खूबसूरत प्रहार, इस बार तो गेंद गई है सीधी फाइन लेग सीमारे के आगे बाहर 6 रन के लिए। 125 मीटर दूर मारना कहीं और चाहते थे, संपर्क हुआ कहीं और, लेकिन इतनी गति से गेंद आई थी उतनी ही गति से दोस्तों गेंद को भेज दिया सीमारे के आगे बाहर 6 रन के। अनरूनी किनारा लगा था बल्ले का और गेंद को दोस्तों डिलीवर कर दिया सीधा दर्शक दीर्घावे 6 रन के लिए। बेखौफ और बेबाक अंदाज में आरंभ प्रचंड कर चुकी है भारतीय टीम। लुंगी एनगड़ी चौथी गेंद लेकर तैयार, सामने यशस्वी जायसवाल मौजूद, एनगड़ी की अच्छी गेंद थी, सीधा प्रहार किया है बैट के सगे पैड पे गेंद टकराई, लेकिन दोस्तों यहाँ पे विकेट कीपर कोंटन डीकॉक ने गेंद को उठाया और वापस तैयार है लुंगी एनगड़ी गेंदबाजी करने के लिए। 4 गेंदों पर 18 रन खर्च कर चुके लुंगी एनगड़ी, 5वीं गेंद लेकर तैयार, सामने यशस्वी जायसवाल मात्र 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से। लुंगी एनगड़ी की गेंद एसएसबी जायसवाल, फिर से खूबसूरत प्रहार, इस बार डीप पॉइंट के ऊपर से मारा है शॉट, दर्शनीय अद्वितीय विश्वसनीय प्रहार और इसी के साथ अपना अर्धशतक यहां पे पूरा करते 141 मीटर के लंबे छक्के साथ अपना अर्धशतक। युवा बल्लेबाज गरीब परिवार से निकल कर आया दोस्तों, आज भारतीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, पहुंच चुके हैं 11 गेंदों पर 50 के स्कोर पर। 2.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 74 रन भारतीय टीम का स्कोर। अंतिम गेंद आसानी से खेला, खूबसूरत प्रहार किया है पाइन लेग की तरफ, गेंद जा रही है पीछे, फील्डर मौजूद है डॉट बॉल के साथ। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 74 रन भारतीय टीम। केशव महाराज बड़ी बल्लेबाजी है, बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को यहां पे करके निभाया। तरवेज शमसी के हाथ में गेंद आई, पहली गेंद तरवेज शमसी, सामने गिल मौजूद है और पहली गेंद पर गिल ने हवाई पार कर दिया डीप पॉइंट सीमार के बाहर, गेंद जा रही है डग आउट में, पीछे फील्डर मौजूद थे गेंद को नहीं रोक पाए, वन बाउंस गेंद गई दोस्तों सीमार के बाहर 4 रन के। पॉइंट के ऊपर से अच्छा प्रहार किया था पसंदीदा शॉट, क्लासिक बल्लेबाजी सोमन गिल के द्वारा की जा रही है इस मुकाबले में। बेखौफ और बेबाक अंदाज में आरंभ प्रचंड कर चुकी भारतीय टीम। 3.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 78 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मात्र 11 गेंद शेष रह चुके हैं। देखते हैं भारतीय टीम कितना बड़ा टारगेट खड़ा करती है 5-5 ओवर के सुपर फाइव मुकाबले में। चलिए तैयार अंतिम T20 महासंग्राम मुकाबला, इस वक्त जबरदस्त अंदाज में खूबसूरत प्रहार, हवा में केला शॉट, नीचे फील्डर मौजूद है, इस बार विकेट गिर सकता है भारतीय टीम का, लेकिन गेंद को दोस्तों सीधा, जितनी ऊंची गेंद गई थी उतनी दूरी भी तय कर चुकी है और गेंद को दोस्तों डिलीवर कर दिया सीधा लॉन्ग ऑन सीमारे के बाहर 6 रन के लिए। गिल ऑन द फायर, बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए सोमन गिल इस महासंग्राम मुकाबले में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आरंभ प्रचंड कर दिया भारतीय टीम ने। तरवेज शमसी दूसरी गेंद सीधा प्रहार लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारा, इस बार हुंकार भर दिया बड़े शॉट की, आरंभ प्रचंड तरफ किया था, दूसरी तरफ से बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी भी जारी है भारतीय दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा।
साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 मुकाबला जीत चुकी, आज करो या मरो की स्थिति है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। और दोस्तों आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान दर्शकों ने कल कुछ कमेंट किए थे कि भारतीय टीम में दम है, तो साउथ अफ्रीका सर जमी पर जीत कर दिखाए। दूसरा टी20 मुकाबला हार चुकी, तीसरा भी हारेगी, तो इस मुकाबले का दोस्तों कमेंट का जवाब दे दीजिए कि हिंदुस्तान जीतेगा। और दोस्तों इस मैच में कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए। फिर से हुंकार भरी, एक और शॉट है, जातपाल नहीं है, यहाँ पे सोमन गिल मौजूद है। लॉन्ग ऑफ सी मारेगा के बाहर, तूफानी प्रहार, हुंकार भर दी यहाँ पे बल्लेबाजों ने। सलामी जोड़ी आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेखौफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है। लगातार बड़े शॉटों का प्रहार गिल और एसएसबी जाजपाल के बल्ले से, गगनचुंबी प्रहार। अंतिम की दो गेंदें शेष है, उसके बाद मात्र 6 गेंदें शेष रहेंगी। चलिए इस बार अच्छा शॉट खेला, लेट कट किया, पॉइंट पर फील्डर बहुत, 4 रन मिलेंगे पॉइंट और गली के फील्डर के बीच में से। बैकवर्ड पॉइंट सी मारेगा के बाहर, 4 रन, यह सोमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया है। 7 छक्के 2 चौके मात्र 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक दोस्त यहाँ पे पूरा कर दिया है। और शानदार बल्लेबाजी, क्लासिक शॉट है, गैप में खेला, 4 रन यहाँ पे बटोरने आसानी से। ओवर की समाप्ति हो चुकी, अंतिम ओवर लेकर आए, अंतिम गेंद है दोस्तों तरवेज शमसी की, 100 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। तरवेज शमसी अंतिम गेंद, सामने गिल मौजूद है, गिल सामने मौजूद, तरवेज शमसी अंतिम गेंद, गिल ने अंतिम गेंद को भी नहीं बक्सा है, गेंद को भर दिया दोस्तों, बड़ी पावर जनरेट की इस गेंद पर। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से डग आउट में डिलीवर कर दिया है, बेखौफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में, एक और छक्का गिल के बल्ले से। अंतिम ओवर शेष है, दर्शकों में हर्षोल्लास है। और दोस्तों यहाँ पे लिंडे के हाथ में गेंद सौंपी, अंतिम ओवर लेकर आए हैं लिंडे, सामना करेंगे एसएसबी जाजपाल। 106 रन भारतीय टीम, सलामी जोड़ी ने दोस्तों आज दिल जीत लिया है। कल के मुकाबले मात्र 6 रन के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे, आज बड़ी हुंकार भरी है। चलिए लिंडे पहली गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार, पावर जनरेट कर दिया है, बाजू यहाँ पे खोल दी है, नीचे फील्डर मौजूद है, गेंद जाएगी 73 मीटर दूर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। विखौफ और बेबाक अंदाज में डिलीवर किया दोस्तों गेंद को, दर्शक दीर्घा में 73 मीटर दूर, पहली गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। और आप सभी दर्शकों दोस्तों मेरा निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो बिना किसी देरी के युवा भारतीय टीम के सपोर्ट में लाइक जरूर कर दी। दूसरी गेंद, अच्छा प्रहार, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा, इस बार देखते हैं बन बाउंस, 4 मिलेंगे यहाँ पे, 6 मिलेंगे, लीजिए यहाँ पे 69 मीटर का एक और खूबसूरत छक्का यहाँ पे यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। बड़ा मुकाबला भारतीय दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने आज बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाई है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, आप लोगों को लगातार अच्छे मुकाबले यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे, रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मात्र 4 गेंद से 118 रन भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया यहाँ पे स्कोर, बड़ा टारगेट खड़ा किया भारतीय टीम ने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज जंग का ऐलान भारतीय बल्लेबाजों ने किया है, और इस वक्त बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। फिर से अच्छी गेंद, खूबसूरत प्रहार, एक और बड़ा प्रहार यहाँ पे, शॉट चॉइस आइडियल है, टाइमिंग आइडियल, फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था, फिर भी गेंद को डिलीवर किया दोस्तों, पावर जनरेट करते हुए, बाजू में खोलते हुए अपना पसंदीदा प्रहार, हर तलब लगाते हुए यशस्वी जायसवाल। इस बड़े मुकाबले का अंजाम भारतीय टीम के पक्ष में ही आएगा। एडन मार्करम कप्तान यहाँ पे बातचीत करते हुए गेंदबाज लिंडे से, फील्डिंग में कुछ कई परिवर्तन शायद यहाँ पे करवाना चाहते हैं। चलिए तैयार लिंडे, सामने करेंगे यशस्वी जायसवाल, लिंडे की गेंद, यशस्वी जायसवाल लो फुल टॉस के अंतिम फुंकार, बड़ा प्रहार, तूफानी शॉट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से डग आउट में डिलीवर किया इस गेंद को, दर्शक दीर्घा में बेखौफ और बेबाक अंदाज में, एक और जबरदस्त प्रहार, दर्शक दीर्घा में 6 रन। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच इस महासंग्राम मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने आज दोस्तों जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई। चलिए तैयार लिंडे की एक और गेंद, एक और प्रहार, लाजवाब 5वां छक्का इस ओवर का, यशस्वी जायसवाल, गरीब परिवार जाए वन और जुबान, आज भारतीय टीम के रीढ़ की हड्डी बन चुका है जबरदस्त बल्लेबाजी, बेखौफ और बेबाक बल्लेबाजी, 130 मीटर दूर इस गेंद को डिलीवर किया है। लिंडे के कैरियर को यहाँ पे दांव पे लगा दिया है यशस्वी जायसवाल ने, हर तरफ हुंकार भरी है, और हरीश राव अकेडमी में भर्ती कर दिया है लिंडे को। चलिए तैयार अंतिम गेंद लेकर लिंडे तैयार, सामना करेंगे दोस्तों अंतिम गेंद का यशस्वी जायसवाल, बेखौफ अंदाज में मुकाबला चल रहा है। सभी दर्शकों दोस्तों निवेदन है भारतीय टीम के सपोर्ट में इस मुकाबले को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक इस मुकाबले को लाइक नहीं किया तो बिना किसी देरी के लाइक कर दीजिए, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अंतिम गेंद है, सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल, अंतिम गेंद का सामना करेंगे यशस्वी जायसवाल, बेखौफ अंदाज में। चलिए अंतिम गेंद, खूबसूरत प्रहार, बैकफुट पे गए थे, 4 रन बटोरते यहाँ पे आसानी से, फाइनल एक सीमा रेखा के बाहर, अंतिम गेंद पर चौका बटोरा है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है दोस्तों,
एक सेकंड के समय के बाद यहां पे साउथ अफ्रीका टीम आ चुकी है बल्लेबाजी करने के लिए, टारगेट को चेस करने के लिए। हेंड्रिक्स के साथ डीकॉक, मार्क्रम, मिलर, हेनरी क्लासेन, गहरी बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका टीम। मुकेश कुमार के हाथ में गेंद सौंपी है। मुकेश कुमार के ऊपर दोस्तों बड़ी आलोचना यहां पे खड़ी हो रही है। अब देखना है आज किस अंदाज में गेंदबाजी करेंगे मुकेश कुमार। पहली गेंद और पहली गेंद पर तो यहां पे छक्का लगा दिया हेंड्रिक्स ने। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन के बीच में से बेखौफ अंदाज में छह रन यहां पे बटोरे पहली गेंद पर। मुकेश कुमार को आज दोस्तों बड़ा करिश्मा करके दिखाना होगा अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना है तो। बड़ी जिम्मेदारी है मुकेश कुमार के ऊपर, उस जिम्मेदारी को आज निभाना होगा। चले हेंड्रिक्स तैयार है सामना करेंगे। हेंड्रिक्स दूसरी गेंद मुकेश कुमार की और यहां पे मिडिल स्टंप तोड़ दिया मुकेश कुमार ने हेंड्रिक्स का। एलिजे दिखा दिया अपनी भुजाओं का बल हेंड्रिक्स को, बेखौफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में यहां पे दोस्तों प्रदर्शन करके दिखाया है। उछलता कर दिया है हेंड्रिक्स को मुकेश कुमार ने। हेंड्रिक्स रीजा हेंड्रिक्स मात्र छह रन बनाए हैं। एडन मार्करम कप्तान आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखना होगा आज के इस रोचक रोमांचक मुकाबले में क्या कहानी रहने वाली है। 28 गेंद 135 रन की दरकार जीत के लिए, 28 गेंदों पर 135 रन की दरकार भारतीय टीम को इस महासंग्राम मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। रोचक और रोमांचक हो चुका है मुकाबला। 28 गेंद 135 रन दरकार जीत के लिए। एडन मार्करम सामने, मुकेश कुमार चल पड़े गेंदबाजी करने के लिए एडन मार्करम के लिए। और मार्करम ने पहली गेंद पर तो हुंकार भरी, बड़ा प्रहार लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से डग आउट पर डिलीवर किया गेंद को, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, कप्तान एडन मार्करम हुंकार भर चुके हैं। भारतीय टीम ने जो बड़ा पावर जनरेट किया था बल्लेबाजी में, बड़ा टारगेट खड़ा किया था, उस टारगेट को यहाँ पे चेस करना होगा। 3 गेंदें 12 रन आ चुके, 1 विकेट गिर चुका, 27 गेंदों पर 129 रन की दरकार जीतने के लिए। मुकेश कुमार की अच्छी गेंद को तुरंत प्रहार करना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ अपने फॉलो थ्रू में। मुकेश कुमार ने इस गेंद को फील्ड किया है, स्लोअर डिलीवरी गेंद थी, बल्लेबाज अपने आप को रोका, उसके बावजूद भी गेंद को दोस्त यहाँ पे बड़े प्रहार के रूप में, बड़े हिट के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाया मुकेश कुमार। अंतिम गेंद, ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त प्रहार एडन मार्करम के बल्ले से, एडन मार्करम के बल्ले से बेखौफ अंदाज में छक्का यहां पे लगा दिया है। 5 गेंदे 18 रन आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका टीम अपनी सर जमी पर हाथ को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगी, हार को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। चलिए तैयार मुकेश कुमार अंतिम गेंद लेकर सामने रहेंगे एडन मार्करम। मुकेश कुमार अंतिम गेंद, एडन मार्करम यहां पे दोस्तों आउट कर ही दिया है लगभग, उंगली उठ चुकी है एम्पायर की। सफलता मिल चुकी भारतीय टीम को बड़े मुकाबले में, दूसरी सफलता मिली है मुकेश कुमार को एक ही ओवर की। एडन मार्करम को जाना होगा डग आउट में, 12 रन बनाया एडन मार्करम ने। अगले बल्लेबाज के दोस्तों यहां पे आ चुके हैं हेनरिच क्लासेन, बेखौफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में हेनरिच क्लासेन आ चुके हैं इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों यहां पे चल रहा है। मोहम्मद सिराज आए दूसरा ओवर लेकर, सामना करेंगे हेनरिच कुंटन डीकॉक। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी का सामना करेंगे कुंटन डीकॉक। पहली गेंद राउंड द विकेट, मोहम्मद सिराज की अच्छी गेंद, फटके गेंद दिया, परकट किया, शानदार शॉट, विकेट के पीछे 6 रन। कुंटन डीकॉक विश्व के सबसे महानतम बल्लेबाजों में नाम शुमार है इस बल्लेबाज का। साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से लगातार बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं कुंटन डीकॉक। सामना करेंगे मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद का, 23 गेंद 117 रन जीत के दरकार। कुंटन डीकॉक सामने, मोहम्मद सिराज दूसरी गेंद, फिर से वही प्रहार, एक और बैक टू बैक दूसरा छक्का। जितनी गति से गेंद आई थी उतनी गति से पावर जनरेट किया दोस्तों इस गेंद के ऊपर और भेज दिया विकेट के पीछे 6 रन के लिए। लगातार दो छक्के, 22 गेंदें 111 रन की दरकार जीत के लिए। मोहम्मद सिराज लगातार वही गेंद है, फिर से इस बार हवा में अकेला शॉट है, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही 4 रन के लिए। 21 गेंदें 107 रन, मुकाबला फंस चुका है। दोनों ही टीमें अपनी अपनी दावेदारी यहां पे प्रस्तुत कर चुकी हैं। आप सभी दर्शकों से मेरा बार बार एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस मैच को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो युवा भारतीय टीम के सपोर्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की सख्त जरूरत है भारतीय टीम को, प्लीज यहां पे सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर से प्रहार, लाजवाब, एक और हवा में गेंद खेला शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, दौड़ पड़े 2 रन के लिए। यहां पे आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, जब तक मिड ऑफ का फील्डर गेंद को जाके उठा के फील्ड करेगा, डायरेक्ट हिट लगाया था लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर। सभी दर्शकों से दोस्तों मेरा बार बार निवेदन है मैच को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक इस मैच को लाइक नहीं किया तो बिना किसी देरी के प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। और युवा भारतीय टीम के सपोर्ट में एक छोटा सा काम करना है, इस मुकाबले को लाइक करना है, बस वीडियो को लाइक करना। चले तैयार कुंटन डीकॉक सामने, फिर से अच्छा शॉट, पुल किया डीप, इसको ले फील्डर बाउंस होता है, लाजवाब फील्डिंग, यहां पे कैच छूटा, जीवन दान मिला है, एक आसान सा कैच, जीवन दान दोस्त यहां पे मिल चुका है
शायद विकेट गिर सकता था। चले तैयार मोहम्मद सिराज अंतिम गेंद लेकर 19 गेंद से 104 रन की दरकार जीत के लिए साउथ अफ्रीका टीम को। सामने हेनरी क्लासेन, अंतिम गेंद हेनरी क्लासेन, जाने दिया विकेट के पीछे। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पे मात्र 18 गेंद से साउथ अफ्रीका टीम को जीत के लिए दोस्तों यहाँ पे दरकार है। कुलदीप यादव के हाथ में गेंद, सामने कुंटन डीकॉक, पहली गेंद लेकर तैयार कुलदीप यादव। बड़ा मुकाबला है, कुलदीप यादव पहली गेंद, कुंटन डीकॉक ने बैक ऑफ अंदाज में सीधा प्रहार किया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, डग आउट में 6 रन के लिए 43/2 साउथ अफ्रीका। 1.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाया था बल्लेबाज को, लेकिन सामने डीकॉक है, गेंद को एकदम रडार पे लिया और बाजू खोलते हुए छक्का यहाँ पे बटोरा पहली गेंद पर। 25 पर पहुंचे डीकॉक, 17 गेंद 98 रन कुलदीप यादव। दूसरी गेंद डीकॉक, इस बार फिर से हुंकार भरी, बड़ा प्रहार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से डग आउट में 6 रन के लिए भारत बनाम साउथ अफ्रीका। और इस वक्त दोस्तों मुकाबला चल रहा है इतिहास के पन्नों में, आज फिर से दर्ज हो जाएगा आज का दिन, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच महासंग्राम मुकाबला चल रहा है। डीकॉक सामने है, चलिए सामने है डीकॉक, फिर से कुलदीप यादव की गेंद, डीकॉक इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से मारा है, नीचे फील्डर मौजूद है, क्या विकेट हो सकता है, बन बाउंस 4 रन। टप्पा खाने के बाद दोस्तों गेंद गई सीधी डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए साउथ अफ्रीका टीम इस वक्त दोस्तों जीत के करीब पहुंचने का प्रयास कर रही है। डीकॉक 35 के स्कोर पर, कुलदीप यादव फिर से अच्छी गेंद, इस बार कुलदीप यादव की गेंद थी, सीधा शॉट खेला है, डग आउट में डिलीवर कर दिया है। दर्शक दोस्तों भारतीय दर्शक सबसे ज्यादा मौजूद है इस मुकाबले में, हौसला अफजाई करते हुए भारतीय टीम के अंतिम T20 निर्णायक मुकाबले में महामुकाबला आज दोस्तों इस वक्त चल रहा है। 14 गेंदें 82 रन दरकार जीत के लिए कुंटन डीकॉक के सामने गेंद थी, कुलदीप यादव अच्छा गेंद फेंका, ठिकाने पर फेंका, हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद है, लेकिन दोस्तों गेंद को रोक पाने में सफल नहीं रहेंगे फील्डर। 4 रन यहां से फिर से मिले हैं डीकॉक को। हेनरिच क्लासेन दूसरे छोर पर मौजूद, साउथ अफ्रीका दर्शक खुश नजर आ रहे हैं। 13 गेंदें 78 रन अंतिम गेंद यहाँ पे कुंटन डीकॉक के, अंतिम गेंद पर प्रहार खूबसूरत अंदाज में हवा में खेला, नीचे फील्डर मौजूद है, विकेट यहाँ पे मिल सकती कुलदीप यादव को, जी नहीं छक्का यहाँ पे लगाया, लगातार 12 छक्कों की जरूरत इस मुकाबले में। डीकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया है। भारतीय दर्शकों में लगातार हर्षोल्लास और खुशी का माहौल। अंतिम ओवर दोस्तों सामने रहेंगे, हेनरिच क्लासेन जडेजा के हाथ में, 12 गेंदें 72 रन। चलिए पहली गेंद कुलदीप यादव के जवाब की, जहाँ पे हेनरिच क्लासेन हवा में खेला, डीप विकेट, नीचे फील्डर मौजूद है और गेंद को दोस्तों यहाँ पे पकड़ लिया। सफलता मिल चुकी रविंद्र जडेजा को, पहली गेंद पर हेनरिच क्लासेन को चलता कर दिया। बड़े और रोमांचक मुकाबले में सफलता मिली भारतीय टीम को, हेनरिच क्लासेन को चलता किया। डेविड मिलर आया बल्लेबाजी करने के लिए, मात्र 11 गेंदें शेष है, रविंद्र जडेजा के हाथ में गेंद है। 69/3 साउथ अफ्रीका, 11 गेंदें 72 रन की दरकार। दूसरी गेंद रविंद्र जडेजा के सीधा प्रहार किया, डीप पॉइंट के स्वीपर कवर के ऊपर से मारा, इस बार विक ऑफ अंदाज में किलर रामिलर के बल्ले से शानदार 6 रन यहां पे आ चुके। 141 मीटर का लंबा प्रहार दोस्तों, आप लोगों को बता दें भारतीय टीम ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा टारगेट खड़ा किया था। 5-5 ओवर का मुकाबला रहा है बारिश के कारण यहाँ पे, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम टारगेट को चेज करती हुई 9 गेंदों पर 60 रन की दरकार जीत दर्ज करने के लिए लगातार 2 छक्के लगा चुके। यहाँ पे किलर था मिलर वेक ऑफ अंदाज में, बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 81/3 साउथ अफ्रीका। चलिए जडेजा फिर से अच्छा शॉट, बैकफुट पे गए, लाजवाब पावर जनरेट किया यहाँ पे किलर था मिलर ने, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन मिलेंगे यहाँ पे, जबरदस्त बल्लेबाजी। बैकफुट पे गए थे, खूबसूरत प्रहार, कप्तान सूर्यकुमार यादव बातचीत करते हुए रविंद्र जडेजा से, लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं किलर द मिलर। चलिए फिर से तैयार चौथी गेंद, फिर से हम हवाई पार, हुंकार भरी है डिलर ने, किलर द मिलर ने लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर एक और खूबसूरत छक्का यहां पे लगा दिया। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, रोमांचक मुकाबला है, जीत के करीब है भारतीय टीम, 7 गेंदें 48 रन, मिलर सामने मौजूद है, जडेजा अंतिम गेंद यहां पे बीट कर दिया था बल्लेबाज को, लेकिन रक्षात्मक तरीके से, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर 6 गेंदों पर 48 रन की दरकार साउथ अफ्रीका टीम को और अर्शदीप सिंह के हाथ में ओवर, अंतिम ओवर के लिए अर्शदीप सिंह को बचा के रखा था कप्तान सूर्यकुमार यादव ने। 2 विकेट की दरकार भारतीय टीम को, पहली गेंद यहां पे, पहली गेंद पर तो जबरदस्त प्रहार कर दिया कुंटन डीकॉक ने, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए विकॉफ और बेबाक अंदाज में छक्का यहां पे लगा दिया। चलिए तैयार दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे कुंटन डीकॉक, अर्शदीप सिंह दूसरी गेंद येवर्कर फेंकना होगा यहाँ पे, येवर्कर की फेंकी सीधा प्रहार, खूबसूरत टाइमिंग, दौड़ पड़े रन के लिए, यहाँ पे 4 रन मिल चुके हैं, मिस फील्ड यहाँ पे हुई दोस्तों, 4 रन मिल चुके हैं बल्लेबाज कुंटन डीकॉक को।
हर्षदीप सिंह तीसरी गेंद लेकर फिर से तैयार है, चार गेंदों पर 38 रन की दरकार है, 103 पर 3 साउथ अफ्रीका। डीकॉक सामने मौजूद है, इस बार फिर से डीकॉक ने हवा में खेला शॉट, टाइमिंग लाजवाब, एक और फिर से 6 रन यहां पे मिलेंगे बेखौफ अंदाज में। तीन गेंदें 32 रन की दरकार जीत दर्ज करने के लिए साउथ अफ्रीका टीम को। सामने कुंटन डीकॉक के हरदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, हरदीप सिंह इस बार ये ओवर डिलीवरी गेंदती और यहां पे दोस्तों बीट किया बल्लेबाज को, जाने दिया विकेट के पीछे, एकदम ये ओवर डिलीवरी गेंद पे की, दो गेंद 32 रन। दोस्तों मैच को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया कमेंट में कर दीजिए, हिंदुस्तान जीतेगा। डीकॉक सामने मौजूद, फिर से अच्छा प्रहार, एक और खूबसूरत शॉट, पावर जनरेट किया है डीप स्कोर लेकर और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए, एक गेंद 28 रन, मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। हरदीप सिंह ने 20 रन खर्च कर दिया अंतिम ओवर में, हरदीप सिंह की अंतिम गेंद पर यहाँ पे बेकॉफ अंदाज में 4 रन के साथ मुकाबला खत्म किया कुंटन डीकॉक ने। 23 रन से भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबला जीत लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस मैच को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले गेम प्ले मुकाबले में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, गेम प्ले था रियल मैच नहीं था लेकिन मजा आया, एक और मजा आएगा जबरदस्त अंदाज में।